अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, दिस इज इंजीनियर इम्तियाज एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो मुझे रिसेंटली रिसीव्ड हुई हैं वो सोलर पैनल्स के जो टैक्स के हवाले से हैं कि आया के टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वेव ऑफ की वो हो चुकी है, नहीं हो चुकी, सोलर पैनल्स की जो नई प्राइसेस हैं वो क्या हैं, इस वक्त क्या है, और इन फ्यूचर में अगर ये टैक्स वेव ऑफ हो जाता है, अगर ये हो चुका है, तो उसकी प्राइसेस जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगी मार्केट में। तो इसके हवाले से मैं आप लोगों को तमाम तर डिटेल्स जो है इस वक्त दूंगा ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है इसके हवाले से वो ख़त्म हो जाए, और आप लोग अगर सोलर पैनल्स परचेज के करने के हवाले से सोच रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, और इस वक्त जो है मार्केट में सोलर पैनल्स के हवाले से जो है वो क्या कन्फ्यूजन चल रही है। तो एक एक चीज़ मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से गाइड करूंगा ताकि आप लोगों की तमाम तर कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा व्यूवर्स, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो मोस्ट वन ऑफ द फेमस सोलर पैनल्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें लॉन्ची है, उसके अलावा कैनेडियन सोलर पैनल्स है, उसके अलावा जो है आप लोगों को जिनको ज़ियोनिक, और इसके अलावा जो है आप लोगों को इनवरेक्स की मस्टैंग सीरीज, ये जो तमाम तर सोलर पैनल्स हैं इस वक्त ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स पे इंस्टॉल हो रहे हैं वो यही हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स के हवाले से कि टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो वेव ऑफ के हवाले से होनी थी आया कि वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अभी इस वक्त चूंकि एक मार्केट में कन्फ्यूजन की जो एक क्रिएशन चल रही है कि क्या हम लोगों को सोलर पैनल्स परचेज करने चाहिए, इस वक्त जो सोलर पैनल्स की प्राइसेस हैं वो अभी तक डिक्रीज नहीं हुई, और डिक्रीज ना होने की भी वजूहत हैं कुछ। अब डिक्रीज ना होने की वजूहत सबसे पहले ये है कि जो सोलर पैनल्स पहले विद टैक्स के साथ जो शिपमेंट की गई थी उनकी प्राइसेस जो थी जिसमें 17% टैक्स इंक्लूड था, अगर वो टैक्स वेव ऑफ होता है तो दैट मींस के सोलर पैनल्स की प्राइसेस डिक्रीज होंगी, और सोलर पैनल्स के डिक्रीज होने का मतलब ये है प्राइसेस का कि एक बहुत बड़ा लॉस होगा उन वेंडर्स को, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिन्होंने जो सोलर पैनल्स थे वो विद प्राइस जो 17% टैक्स था उसके साथ उन्होंने जो परचेज किए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सोलर पैनल्स की प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज हो चुकी हैं। टिल नाउ सोलर पैनल्स की प्राइसेस इस वक्त भी जो मार्केट में है तकरीबन कुछ 73-74 रुपीज़ 75 तक जो है वो मार्केट में जो है वो चल रही हैं, इवन के 76-77 तक भी जो लॉन्जी के बाईफिशर्स हैं उसकी प्राइसेस भी आप लोगों को देखने को मिलती है। अब सोलर पैनल्स के डिक्रीज होने के बाद जो है टैक्स वेव ऑफ होने के बाद जो है तकरीबन को प्राइसेस में तकरीबन को 5-7 रुपए का जो पर वॉट है वो डिक्रीज होगा, लेकिन क्या वो कब इंप्लीमेंटेशन होगा इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को जो है वो गाइड कर देता हूं कि सोलर पैनल्स के टैक्स की वेव ऑफ होने की कंडीशन ये है कि बिल जाएगा कैबिनेट में, वो पास होगा, होने के बाद जो नई शिपमेंट आएगी, जो नई शिपमेंट होगी उसमें जो है वो आप लोगों को जो प्राइसेस हैं वो कम देखने को मिलेंगी। वो कम तब नई शिपमेंट्स जो है वो मार्केट में आएंगी और आप लोगों को प्राइस में प्राइस कट जो है 17% का वो देखने को मिलेगा। वो जो एक्सपेक्टेड है तकरीबन कोई एक मंथ तक जो है वो आप लोगों को जो नई शिपमेंट आएगी उसमें जो है प्राइसेस में आप लोगों को डिक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन इस वक्त जो है वो आप लोगों को जो है जो मैंने प्राइसेस बताई हैं इस वक्त जो है मार्केट में यही प्राइसेस जो है वो चल रही हैं। अब इसमें भी 2 से 3 वजूहत हैं, इसमें 2 से 3 वजूहत ये हैं कि अगर टैक्स को वेव ऑफ करने का जो उन्होंने कहा गया है आया कि वो टैक्स वेव ऑफ का कितने दिन तक इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, तकरीबन कोई एक मंथ तक, लेकिन अगर इन केस ऑफ गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट ये वाली गवर्नमेंट जो है उसको वेव ऑफ करने में तकरीबन कोई एक मंथ लेती है तो दैट मींस के आप लोगों को अगर जो लोग सोलर पैनल परचेज करने के हवाले से जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं जिनकी क्वांटिटी कम है तो उनको आई थिंक सो के वेट नहीं करना चाहिए, अपने जो सोलर सिस्टम्स हैं वो इंस्टॉल करवा लेने चाहिए, क्योंकि अनसर्टन जो इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में चाहे वो गवर्नमेंट्स के हवाले से हो और उसके अलावा सोलर पैनल्स के हवाले से हो, मे बी कि सोलर पैनल्स की शॉर्टेज भी आप लोगों को देखने को मिले और उसमें भी फिर प्राइस की जो हाई वैल्यू है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो जो लोग जो है वो वेट कर सकते हैं उनको एक मंथ तक का वेट करना पड़ेगा, वो वेट कर लें। आई थिंक सो कि इसके हवाले से कोई अच्छी खबर आएगी कि सोलर पैनल्स की जो नई शिपमेंट के हवाले से है, टैक्स की वेव ऑफ करने के हवाले से जो है वो नई खबर जो है वो जैसे ही इंशाल्लाह आएगी कि आया कि टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वेव ऑफ की वो 100% हो चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन हो चुका है और कैबिनेट में भी बिल पास हो चुका है, तो उसके बाद जो है नई प्राइसेस जो है वो मार्केट में देखने को मिलेंगी। तो जो लोग जिनकी क्वांटिटी कम है उनको ज़्यादा
मतलब कि इसमें कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जांपल जिन्हें उनको 2-3 पैनल लेने हैं, 4 पैनल लेने हैं, उनको ज़्यादा इसमें एडवांटेज नहीं होगा। जिनकी बल्क क्वांटिटी में जिनकी इंस्टॉलेशन है उनको इसमें खातर ख्वाह इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये थी तमाम तर डिटेल्स इसके हवाले से। अगर सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप लोग कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के थ्रू परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।